साहिल गुदौली माजरा। इस वजह से आना था भाई, एक बंदा सुनील सरपंच के नाम थे, 01 के नाम थे उसकी आईडी है, वो इस्लाम धर्म के खिलाफ इंस्टाग्राम पे, वो सोशल मीडिया के जरिए मतलब इंस्टाग्राम के जरिए मुसलमानों को और नबी के शान में गुस्ताखी कर रहा हूँ, इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए। 2 महीने पहले यहाँ उसकी FIR भी कराई थी, कोई उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं हुआ अभी तक। कई बार आ लिए यहाँ, 5-7 बार पहले भी आए भाई हम, कभी भी हम यहाँ तक लारा देकर भेज दें, 2 दिन में कराएंगे, 3 दिन में अभी लग गिरफ्तारी नहीं हुई उसकी। तो यहाँ कोई प्रशासन का अधिकारी है आपके पास? नहीं अभी नहीं है भाई, सुबह से बैठे हैं यहाँ 9 बजे के, अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। क्या नाम उसका, उसका सुनील सरपंच 01 के नाम से। 2 महीने के तकरीबन कोई तक बीच में भी आया? हाँ जी कई बार आए बीच में भी। क्या बोला था? यहाँ कहते हैं 2 दिन बाद आइयो, 3 दिन बाद आइयो, यहाँ कोई बात नहीं है उसकी, कभी कहते मिल लो रहा है यहाँ। हाँ जी सर बोलिए। पहले अधिकारियों का इंटरफेयर नहीं था ना, तो अधिकारी ने कोई बात कही, कोई सोच समझ के कही ना? नहीं अच्छा एक बात तो बताओ, अगर मान ले सपोज करो कि ये समाज यहाँ इकट्ठा ना हो और अधिकारी मतलब अधिकारी तक बात ना पहुंचे, तो उसका मतलब तो हमारी कार जितनी एप्लीकेशन है रद्द की टोकरी में है। पीछे ना लेते नेगेटिव बात रखते हैं, पॉजिटिव होते नहीं सर, हम तो पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव से बात बात कर रहे हैं। नहीं 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 ऐसा है ना, ये तो मजबूरी पॉजिटिव बन गई ना, ये तो मजबूरी पॉजिटिव है। क्या कार्रवाई करी सर? 2 महीने में क्या कार्रवाई, कितने टाइम में कार्रवाई होती है सर? सर मेरा पहला, सर सुनो मेरा नाम नौशाद है, मैं पहले मामले में नहीं रहा यमुनानगर जिले के अंदर, लगभग जो है ना हर मामले में खड़ा होता हूँ यहाँ यमुनानगर के, और मतलब मेरे को बता रहे कि भाई DSP तक बात गई, तब ऐसा नहीं है सर, ये हमारी हर बार टोकरी में डल जाए, लेकिन हर बार कार्रवाई होती है, हम करवाते हैं। चलो ऐसा मैं देखो, आप यहाँ बैठे हैं, मुकदमे की मिसल यहाँ नहीं है, वो इंस्पेक्टर साहब के पास है। सर आप समझे नहीं, अब ये जो यहाँ के गांव के लोग हैं ये कहाँ टूटते फिरेंगे इंस्पेक्टर साहब को, हम ये तो थाने में बैठेंगे ना, बात ना मजबूरी है ना इनकी। तो मैंने कहा भी ये 5 आदमी आ जाओ आप कल DSP कार्यालय में, मैं ले जाऊँ अपनी गाड़ियाँ बैठा के। सर देखो शूट आउट करेंगे, सुनो मेरी बात, पहले 5-5 कई बार आए, 5-5 अब्दुल सत्तार भाई कितनी बार, 5-5 आदमी। ये प्रशासनिक लोग कह रहे हैं ना कि कल को वो बोल रहे हैं, तो कल तक हम बैठे रहते हैं, किसी का रास्ता नहीं रोकते, कुछ नहीं करते, यहीं बैठे रहे, शांति प्रिय बैठे रहेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है यहाँ बैठे रहेंगे, कोई मसला नहीं, जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। हम लोग हमने 20-22 साल तक चूसते, ठीक है भाई, इस बात पे सारे सहमत हैं कि अगर वो कल तक गिरफ्तार नहीं होता तो कल तक हम सारे लोग यहीं बैठे रहेंगे, हमें क्या दिक्कत है? तो कुछ कह रहे ना, रोटी मांग रहे ना, हम चाय मांग रहे ना, हम पानी मांग रहे, हमारे प्रशासन से यही तो एक मांग है कि उसको गिरफ्तार करना चाहिए। तो प्रशासनिक लोग ये कह रहे हैं कि आज संडे है, DSP साहब यहाँ नहीं आ सकते, कोई उनकी मजबूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी समझते हैं, हम कोऑपरेट कर रहे हैं, हम कल तक यहीं बैठे रहते हैं, ठीक है कल मिल लेंगे DSP साहब यहाँ के, बात कर लें, जो जांच अधिकारी हैं वो बात कर लें। पिछले 1.5 से 2 महीने में जांच अधिकारी ने एक बार भी हमारे से कांटेक्ट नहीं किया, हमने उनसे कांटेक्ट किया, एक बार भी इन्वेस्टिगेशन के लिए SHO ने हमसे कोई मदद मांगी, हमने वो उनको मदद दी, लेकिन किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब अगर आज 50 लोग यहाँ जमा है तो प्रशासनिक लोग कह रहे हैं कि हम कल को उसको गिरफ्तार कर लेंगे, हम DSP से बात कर लेंगे, तो हम कल तक यहीं बैठे रहते हैं। अभी थाने में जो अभी है, इन्होंने हमारे को ये बोला भाई जितने मर्जी देर तक पड़े रहो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, जब ऐतराज नहीं है तो हमें पड़े रहने दो, बस ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, यहीं बैठे रहेंगे जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया। 10 दिन के रोज अभी तनख्वाह पूरी आनी, हम तो पड़े अभी तक कोई भी एक्शन कार्रवाई नहीं है, ये पूरी आज यहाँ इकट्ठा हुई है और हम इनसे भी जानेंगे कि ये क्या मामला है और क्यों यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उससे बात करेंगे क्या थी, इतना लंबा गुजर जाने के